अगर आपने अपनी सासू माँ के लिए कोई गिफ्ट खरीदा है, जैसे साड़ी जनरली लोग खरीदते हैं, तो वे भी पूजा के समय पास में ही रखें। अब आप गेहूं के 13 दाने या अक्षत हाथ में लेकर, अक्षत मतलब चावल में हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और हल्दी डाल देते हैं और उसे मिला लेते हैं, तो यह अक्षत बन जाता है। यह अक्षत या गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर अब आपको कथा सुननी है। कथा कहने और सुनने का इस दिन बड़ा महत्व होता है। चाहें तो यह कथा आप खुद भी पढ़ सकती हैं। अगर आपको कोई कथा पढ़ने वाला नहीं है, सुनाने वाला नहीं है, तो आप खुद भी पढ़ सकती हैं। जहाँ ग्रुप में महिलाएं पूजा करती हैं, वहाँ कोई एक महिला या फिर पंडित इस कथा को कहते हैं। यह कथा आपको इंटरनेट में भी मिल जाएगी। कोई भी ऑडियो या वीडियो से आप सुन सकती हैं। आपके पति पढ़ सकते हैं, आपके बच्चे आपके लिए पढ़ सकते हैं। हमने भी अपने अगले वीडियो में करवा चौथ की सारी प्रसिद्ध कथाएं, जितनी भी कथाएं प्रसिद्ध हैं, जैसे कि वीरावती की कहानी, द्रौपदी कृष्ण और अर्जुन की कहानी, करवा की कहानी, सत्यवान सावित्री की कहानी, श्री गणेश और वृद्ध महिला की कहानी, सारी उसमें दी हुई है। आप चाहें तो उसे भी प्ले करके सुन सकती हैं। जब महिलाएं किसी से कथा सुनती हैं, तो उसे भी प्रसाद का कुछ भाग देती हैं, जो भी मिठाई आपने बनाई है। पूजा के बाद आप थोड़ा सा उसमें कथा वाचक को या जो कथा पढ़ता है उसको आप देती हैं। और अगर आप इंटरनेट से सुन रही हैं तो ठीक है, फिर आप कथा सुन सकती हैं। कहानी सुनने के बाद आप भगवान पर अक्षत और फूल अर्पण करेंगी और उन गेहूं के 13 दानों को आप अपने पल्लू में बांध लेती हैं। बांध लेना है आपको, जो कि चंद्रमा की पूजा के समय, जब आप चंद्रमा को अर्घ देंगी, उस समय आपको चंद्रमा को अर्पण करना है। अब आप आरती करने के लिए तैयार हैं। आरती के लिए आपको एक घी का दीपक लेना है, और अगर आपने कपूर रखा है तो एक और दीपक लें जिसमें कपूर रख लें। दोनों दीपक को थाली में रख लें। घंटी ले लें, घंटी नहीं है तो कोई प्लेट, स्टील की प्लेट और चम्मच के साथ आप घंटी का ध्वनि कर सकती हैं। और अब आपको आरती, खड़े होकर भगवान को आरती करनी है, जैसे कि जय शिव ओमकारा, या जय माँ अम्बे गौरी, या जय गणेश देवा, या जय पार्वती माता। आप कोई से भी आरती गा सकती हैं। कहा जाता है कि जो भी पूजा में त्रुटि रह जाती है वह आरती गाने से पूरी हो जाती है। अब आप आरती कर लेने के बाद अब आपको चंद्रमा के उदय होने का इंतजार करना है। चंद्रमा के उदय हो जाने के बाद आपको चलनी और वह करवा जिसमें आपने जल रखा था, जिसके गले पे मौली बांधी थी, वह करवा या लोटा नहीं है तो ग्लास, जो भी आपने रखा हुआ था पानी का, वह आपको लेना है। फूल और मिठाई जो आपने बनाई है वह लेना है, और आपको पूजा के लिए खुली जगह, छत, कहीं पर भी जहाँ पर आप एकत्रित हैं, जहाँ से आप चांद देख सकती हैं, वहाँ जाना है। आपको सबसे पहले छलनी में से देखते हुए चंद्रमा को अर्घ देना है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आपको वह 13 गेहूं के दाने चंद्रमा को समर्पण करना है। आपको फूल अक्षत चंद्रमा की तरफ करके आपको समर्पण करना है। उसके बाद जो भी मिठाई आपने रखी हुई है, खीर, हलवा या बाजार की लाई हुई कोई भी मिठाई, आप चंद्रमा की तरफ दिखाते हुए आग्रह कीजिए कि वे इसे ग्रहण करें और आपको आशीर्वाद दें। उसके बाद आपको चंद्रमा की तरफ दीपक दिखा के आरती करनी है। फिर उसी चलनी से आप अपने पति को देख सकती हैं। किसी किसी प्रांत में यह जरूरी नहीं है कि आप चलनी से पति को देखें, ऐसा भी चलन है, पर जैसा कि टीवी में और बॉलीवुड में की मूवीज में दिखाया जाता है कि चलनी से देखने वाला प्रथा, ये भी बहुत जगह प्रसिद्ध है, तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकती हैं। हाँ, इसके बाद आपको वहाँ पर खड़े होके अपने लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, परिवार की खुशहाली के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए जरूर प्रार्थना करें। यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही प्रार्थना है कि
जो कि आपको सच्चे दिल से वहां खड़े होकर करनी है। चंद्रमा की पूजा के बाद आपको पूजा के स्थान पे रखा हुआ वह मिट्टी का मिठाई वाला जो करवा था, उस करवा को आपको अपनी सासू माँ को देकर उनका आशीर्वाद लेना है, पैर छूकर आशीर्वाद लेना है। इसके साथ आप कोई भी गिफ्ट जो आपने रखी हो या खरीदी हो, जैसे साड़ी, साड़ी बहुत ही प्रसिद्ध गिफ्ट है जो कि जनरली लोग खरीदते हैं और देते हैं, वह साड़ी और सुहाग की सामग्री भी आप उन्हें देकर, मिठाई के साथ देकर, पैर छूकर आशीर्वाद ले सकती हैं। अगर सासू माँ नहीं है तो घर की कोई भी बड़ी सुहागन स्त्री को आप यह गिफ्ट दे सकती हैं और उनका आशीर्वाद ले सकती हैं। अगर आप यह व्रत अकेले ही कर रही हैं और आपके पास कोई भी नहीं है, तो आप इस करवे को मंदिर में भी दान कर सकती हैं। करवे को श्री गणेश जी का रूप माना गया है और इस दिन करवे के दान से बड़ा ही पुण्य होता है, ऐसा बताया गया है। अब आप इसी इसी जो सासू जी को जो गिफ्ट दिया जाता है मिठाई के साथ, उसे ही बायना या बाया कहा जाता है। इस दिन सुहाग सामग्री के दान का भी बड़ा ही महत्व है, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आप आपस में भी एक दूसरे को गिफ्ट दे सकती हैं। ऐसे सुहाग के समान दान देने से पुण्य होता है, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद इस तरह से आपका व्रत संपन्न होता है। अब आप भोजन कर सकती हैं, पर नॉनवेज और प्याज और लहसुन अवॉइड कीजिए। सारा घर प्यार से मिलकर साथ में भोजन करें, यह एक फैमिली के लिए एक अच्छा सेलिब्रेशन होता है, जिसे साथ में लोग शाम को डिनर के समय एंजॉय कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि अगर आप पूजा करने किसी ग्रुप में जा रही हैं, तो आपको आपकी थाली पे क्या क्या रखना है। आपको अपनी थाली पे एक लोटा या ग्लास जिसपे मौली बंधी हो, जिसमें दूध और जल हो यानी पानी हो, वह लेना है। आपको मिठाई लेनी है जो भी आपने बनाई हो, एक दीपक रखना है, कुछ लोग आटे का भी दीपक लेते हैं, आप मिट्टी का भी ले सकती हैं। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर जो मेन सुहाग की सामग्री है वह रखनी है। आपने अगर कोई साड़ी या कोई भी गिफ्ट जो सासू माँ को देना हो वो रखा है, वो आप रख सकती हैं। और लोग मिठाई और गिफ्ट को एक सुंदर से कपड़े से ढाक लेते हैं और थाली में किनारे दीपक जलता रहता है, कुछ फल रख लें या नारियल रख लें, और इस तरह से आप इस थाली को लेके पूजा के लिए जा सकती हैं। महिलाएं एक जगह जमा होकर जनरली सर्कल में बैठती हैं, ऐसा बहुत जगह जैसे कि पंजाब में देखा गया है कि सर्कल में बैठ जाती हैं और कुछ लोकगीत या वीरावती की स्टोरी से रिलेटेड कोई गीत गाते हुए 7 बार वे थाली घुमाती हैं और इस तरह से वे पूजा करती हैं। अब हम बताएंगे कि अगर आप इस पारंपरिक तरीके से इस व्रत को ना कर सकें, फिर भी आप अगर इस व्रत को करना चाहती हैं पर आप विदेश में हैं या आप अकेली हैं या कामकाजी हैं, इस कारण आप नहीं कर नियम से पूरे नियम के साथ नहीं कर पाती, तो आप किस तरह से कर सकती हैं। जैसा कि हमने बताया, सुबह सरगी खा लीजिए, जो कुछ भी खा लीजिए, पर नॉनवेज और लहसुन प्याज अवॉइड कीजिए। उसके बाद अगर निर्जला संभव नहीं है, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है और जगह जगह लिखा पाया जाता है कि इस व्रत को निर्जला रखती हैं, बहुत सारी महिलाएं रखती भी हैं, पर अगर आप यह नहीं कर सकती हैं किसी कारण से, कामकाजी हैं, कोई विशेष कंडीशन है या प्यासा रहना संभव नहीं है, तो आप फ्रूट, जूस, दूध, चाय वगैरह लेकर आप इसे रह सकती हैं। अन्न नहीं खाना है, अनाज अवॉइड करना है, आप इस तरह से रह सकती हैं। आप कोई नया कपड़ा पहनिए, ब्लैक एंड वाइट कलर को अवॉइड कीजिए, और कोई भी ब्राइडल कलर की साड़ी, नई साड़ी है तो नया पहन लीजिए, अगर नई नई भी है तो आप अपनी कोई भी ड्रेस, सलवार सूट या साड़ी जो कि साफ सुथरी हो, ब्राइडल कलर हो, रेड, ग्रीन, पिंक, ऑरेंज,
कुछ भी आप पहन सकती हैं, सिंदूर, बिंदी और गले में कुछ चेन डाल लीजिए, मंगलसूत्र डाल लीजिए, हाथों में चूड़ी पहन लीजिए, बिछुए हैं तो बिछुए और पायल पहन लीजिए, और हाथों में मेहंदी लगाने का अगर आपको समय मिल जाए तो मेहंदी भी लगा सकती हैं। ये एक बहुत फनफुल एक्टिविटी भी होती है, कई बार बच्चे भी मेहंदी लगाने के लिए तैयार रहते हैं, और तो आप इसे एंजॉय कर सकती हैं। शाम को जो भी पूजन सामग्री आपको मिल जाए, जैसे कि फल फूल पान और सुहाग की अगर सामान ये मिल जाए, चूड़ी बिंदी और सिंदूर मिल जाए, तो आप यह सबको भगवान पे, माँ पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और श्री शिव जी के चित्र पर, जो कि आपको इंटरनेट से आसानी से मिल जाएगा, समर्पित कर दीजिए। उसके पास आप जल वाला लोटा, जिस पे मौली बांध दीजिए, या मौली नहीं है तो भी जल वाला लोटा रख सकती हैं, उस पे भी फूल अक्षत छिड़क कर पूजा कर लीजिए, और इसी लोटे से आपको चंद्रमा को बाद में अर्घ देना है। आप कथा पढ़ सकती हैं, पूजा सब चीज चढ़ा लेने के बाद आप कथा पढ़ लीजिए या सुन लीजिए या इंटरनेट से सुन लीजिए। उसके बाद आप आरती कर लीजिए, आरती भी इंटरनेट पे दी हुई है, आप आरती कर सकती हैं। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर आप अपना भोजन भोजन कर सकती हैं, अपना उपवास खोल सकती हैं। इस तरह से सिंपल तरीके से भी आप कर सकती हैं इस उपवास को। कुछ पति भी अपनी पत्नियों का साथ देने के लिए यह उपवास रखते हैं, जो कि बड़ी ही अच्छी बात है, जो कि पत्नियों के लिए एक फील गुड फैक्टर होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं, हम पतियों से कह रहे हैं कि अगर आप भी चाहते हैं यह उपवास रखना, लेकिन कामकाज के कारण निर्जला रखना संभव नहीं है, तो आप फ्रूट जूस, मिल्क टी लेकर यह उपवास कर सकते हैं। उपवास रह के आप भी अपने घर के लिए मंगल कामना कर सकते हैं। कुल मिलाकर सारा परिवार इस त्योहार को हंसी खुशी से मना सकता है। ऐसी आशा करते हैं कि हमने आपको जो जानकारी दी है वो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगी। इसी के साथ हम आपको करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। यह कामना करते हैं कि आपका यह व्रत बहुत ही सफल हो और आपके घर में मनचाही खुशियां आए। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, धन्यवाद।